हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में आपके अपने चैनल मॉमीज प्राइड पर। दोस्तों, बेबी को डायपर रैश हो गया है और हम नए पेरेंट हैं, हमें नहीं पता कि ये क्या होता है और इसको कैसे ट्रीट करना है। इस बारे में आज का वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है राधिका और मेरा एक 3 साल का बहुत ही क्यूट सा बेबी बॉय है। और इन 3 सालों में उसको सिर्फ एक बार डायपर रैश हुआ और उस डायपर रैश को हमने घर में ही अवेलेबल मेथड से कैसे इजीली ट्रीट किया, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी तक रेगुलरली पहुंचते रहें। साथ ही अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो कीजिए ताकि इस चैनल के क्विक एंड पर्सनल अपडेट्स आप वहाँ से ले पाएँ। तो दोस्तों, बच्चों की जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत नाजुक होती है। और डायपर के केसेस में ऐसा होता है कि डायपर्स जो हैं वो बच्चे की यूरिन को सोख लेते हैं, गीलापन महसूस नहीं होने देते। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम टाइम पे डायपर चेंज नहीं कर पाते, जिस वजह से क्या होता है बेबी की स्किन जो है उस गीलेपन के कांटेक्ट में आ जाती है और काफ़ी देर तक गीलेपन के कांटेक्ट में रहने की वजह से बेबी को लाल लाल छोटे छोटे दाने निकल आते हैं बेबी के लोअर बॉडी पार्ट पे, जिस एरिए पे बच्चा डायपर पहनता है जनरली, तो उसे हम डायपर रैश कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 पार्ट्स में ये वीडियो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पहला जो पार्ट है वो हम उसमें जानेंगे कि डायपर रैश होने के कारण क्या है, किन किन वजहों से डायपर रैश हो जाता है। दूसरा हम जानेंगे कि अगर डायपर रैश हो गया है तो हम घर में ही रह के कौन कौन सी होम रेमेडीज़ हम फॉलो कर सकते हैं जिस वजह से डायपर रैश को हम घर में ही रह के ट्रीट कर पाएँ। और तीसरी चीज़ हम जानेंगे कि डायपर रैश होने से हम बचा कैसे सकते हैं अपने बेबी को, यानी क्या हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं जिससे हमारे बेबी को इन फ्यूचर ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं डायपर रैश के कारण, यानी कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, किस वजह से डायपर रैश हो जाता है बेबी को। तो यहाँ पर मैं आपको मेजरली 3 ऐसे मेजर कारण बताऊंगी जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि हैं डायपर रैश होने के। तो सबसे पहली चीज़ जो ये है कि आप टाइमली डायपर चेंज नहीं कर रहे हैं बच्चे का। बेबी ने फॉर एग्जांपल डायपर में सुसु कर लिया है या पॉटी कर लिया है और हमने नहीं देख पाया, जिस वजह से बेबी की स्किन जो है वो जर्म्स के कांटेक्ट में आ जाती है और जो बेबी का जो बम एरिया है वहाँ पर छोटे छोटे लाल लाल दाने, कई बार पपड़ी सी पड़ जाती है। तो एक तो ये हो गया डायपर रैश होने का कारण। दूसरा कारण जो है दोस्तों वो ये है कि आप अपने बेबी को काफ़ी ज़्यादा टाइट साइज़ का डायपर पहना रहे हो, बेबी का डायपर जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, जिस वजह से बेबी की स्किन जो है वो कंटिन्यूसली रगड़ रही है डायपर से, फ्रिक्शन हो रहा है और वो स्किन उस एरिया पर छिल जाने की वजह से वहाँ पर डायपर रैश हो गए हैं। ये हुआ दूसरा कारण। तीसरा कारण जो हो सकता है वो ये है कि आप जब भी बच्चे को डायपर पहना रहे हो तो आप बेबी का जो प्राइवेट पार्ट का एरिया है उसको अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे हो, उसको सूखने से पहले ही आप दूसरा डायपर पहना दे रहे हो, जिस वजह से बेबी की स्किन में गीलापन रह जाता है और डायपर पहनाने के केस में बेबी की स्किन में से हवा पास नहीं हो पाती, जिस वजह से जो है डायपर रश होना एक नॉर्मल सी चीज़ है। तो ये 3 तो हो गए मेजर कॉजेज जिनकी वजह से डायपर रश होता है। अब हम जानेंगे कि डायपर रैश अगर हो गया है तो आप ऐसी कौन से टिप्स घर में रह के फॉलो कर सकते हो जिस वजह से आपके बेबी का जो डायपर रैश है जो वो इमिडिएटली ट्रीट हो पाए और बेबी को ऐसी कोई प्रॉब्लम दोबारा ना हो। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाली हूँ 6 होम रेमेडीज़, 6 ऐसे टिप्स मैं आपको बताऊँगी जो आप अपने बेबी के डायपर रैश अगर बेबी को हो गया है तो आप उसको इमिडिएटली ट्रीट कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहली जो होम रेमेडी आती है वो ये है कि अगर बेबी को डायपर रैश हो गया है तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि बेबी को अब आपको कुछ टाइम के लिए डायपर बिल्कुल नहीं पहनाना है, एटलीस्ट जब तक कि वो डायपर रैश अच्छे से ठीक ना हो जाए। आप बेबी को कॉटन की नैपीज़ में रखिए, जिससे कि क्या होगा बच्चे की जो स्किन है वो हवा के कॉन्टैक्ट में आएगी और जितना ज़्यादा बच्चे का जो डायपर रैश वाला एरिया है वो खुला रहेगा, उसमें हवा लगेगी, डायपर रैश उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। तो अगर आपके बेबी को डायपर रैश हुआ है आप फिर भी उसको डायपर पहना रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत
कीजिए, क्योंकि डायपर के केसेस में क्या होता है, हवा पास नहीं हो पाती, जिस वजह से डायपर रैश और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो डायपर रैश होने के केस में आप अपने बेबी को बिल्कुल डायपर ना पहनाएं एटलीस्ट 2-3 दिन तक, और बेबी को कॉटन नैपीज़ में रखें। दूसरा जो टिप आपको फॉलो करना है एज अ होम रेमेडी, वो ये है कि बेबी के प्राइवेट पार्ट की साफ़ सफाई का अच्छे से ध्यान रखें। बेबी जब भी सुसु या पॉटी करे, आप मेक श्योर करें कि बेबी की जो एरिया है, प्राइवेट एरिया, उसको अच्छे से आप क्लीन कर दें, सूखने दें, उसके बाद ही आप दूसरा नैपी पहनाएं बेबी को। उससे क्या होगा, बेबी की जो डायपर रैश है उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन और नहीं बढ़ पाएगा। आप क्या करें, आप एक गुनगुना पानी ले लें, अगर सर्दियों के दिन हैं तो, अभी गर्मियां हैं तो आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर पानी लें, और कोई भी कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा लें, उससे बेबी का जो डायपर एरिया है वो उसको अच्छे से क्लीन करके एक एकदम सॉफ्ट टॉवल से उसको धीरे धीरे पैट पैट करके पोंछें। आप ये हमेशा याद रखें कि बेबी की स्किन को कभी भी आपको रगड़ के नहीं पोंछना होता, आप बिल्कुल धीरे धीरे टैप टैप करके पोंछें, जिससे कि जो टॉल है वो बेबी की स्किन का जो मॉइस्चर है, जो पानी है, वो एब्जॉर्ब कर ले। और जब वो एरिया, बेबी का डायपर एरिया अच्छे से सूख जाए, ड्राई हो जाए, तभी आप उसको नेक्स्ट नैपी या नेक्स्ट डायपर पहनाएं। तीसरी जो होम रेमेडी आप फॉलो कर सकते हो वो ये है कि आप अपने पास हमेशा एक डायपर रैश क्रीम ज़रूर कैरी करो। मार्केट में काफ़ी सारे ब्रांड्स की डायपर रैश क्रीम आती हैं, आप कोई भी डायपर रैश क्रीम ले सकते हो आपके बजट के अकॉर्डिंग। जस्ट आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जब डायपर रैश क्रीम के इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, उसमें जिंक ऑक्साइड ज़रूर मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि जिंक ऑक्साइड एक ऐसी चीज़ है जो कि डायपर रैश को इमीडिएटली ट्रीट करती है, और अगर ऐसा कोई इन्फेक्शन बेबी की स्किन में हुआ होता है तो वो एकदम से ही बेबी को रिलीफ पहुंचाती है, और वो इन्फेक्शन जल्दी से ख़त्म हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन। तो आप अपने साथ हमेशा एक डायपर रैश क्रीम कैरी करो। काफ़ी सारे जो बेबी प्रोडक्ट्स बनाती हैं ब्रांड्स, आई थिंक सारे ही ब्रांड्स डायपर रैश क्रीम भी बनाते हैं, जैसे कि हिमालय हो गया, जॉनसन हो गया, मामा अर्थ हो गया, और जितने भी ये नो कॉमनली नोन ब्रांड है। तो आप किसी भी ब्रांड की डायपर रैश क्रीम आप अपने साथ ज़रूर रखो, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे। अगली जो होम रेमेडी है, आप मार्केट नहीं जा सकते हो डायपर रैश क्रीम लेने, आपके पास घर में भी होम अवेलेबल नहीं है डायपर रैश क्रीम, तो आप क्या कर सकते हो, आप बेबी के इन्फेक्टेड एरिया पर नारियल का तेल लगाओ। नारियल का तेल दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ठंडक पहुँचाने वाला होता है, स्पेशली गर्मियों के लिए बेस्ट है नारियल का तेल। तो आप बेबी के इन्फेक्टेड एरिया पर हल्के हल्के हाथों, थोड़े थोड़े गैप पे, थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद बेबी की स्किन पर नारियल का तेल अप्लाई करो। नारियल के तेल से भी डायपर रैश जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। साथ ही नारियल का तेल में इतनी ज़्यादा कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उस एरिए की वजह से बेबी को जो जलन या स्किन में किसी भी तरह की इरिटेशन या रेडनेस हो रही होती है, उसको भी ट्रीट करने में बहुत ही अच्छा है नारियल का तेल। तो आप अपने बेबी के इन्फेक्टेड एरिया पे नारियल का तेल ज़रूर लगाइए। नेक्स्ट जो आप कर सकते हो वो ये है कि जो भी इन्फेक्टेड एरिया है उस पे आप पेट्रोलियम जेली लगा सकते हो। पेट्रोलियम जेली आई नो हम सभी के घरों में ऑलमोस्ट अवेलेबल रहती है, हम स्पेशली क्रैक लिप्स को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम जेली का यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम जेली भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बेबी की जो स्किन में इन्फेक्शन हुआ होता है, बेबी को दर्द से रिलीफ मिलता है इस केस में, तो आप बेबी की स्किन पर पेट्रोलियम जेली भी अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों लास्ट यानी कि सिक्स्थ होम रेमेडी है, वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हम सभी जानते हैं हमारी ओवरऑल स्किन के लिए कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव, कितना ज़्यादा अच्छा है। तो सिमिलरली डायपर रैशेस के केस में भी आप बेबी की जो स्किन है उस पर एलोवेरा जेल लगाओ, उसको थोड़ी देर ड्राई होने दो, उसके बाद आप नेक्स्ट नैपी या डायपर जो भी आप पहना रहे हो वो पहनाओ। तो ये सिक्स जो दोस्तों मैंने आपको होम रेमेडीज़ बताई हैं, ये सारी मैंने अपने बेबी के ऊपर ट्राई की थी जब उसको डायपर रैश हुए थे, और उसके रैशेस विद इन वन डे ही कम होने लगे थे। तो आपको ये चीज़ें मेक श्योर करनी है, आप इनमें से कोई सी भी टिप फॉलो कर सकते हो। आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो, आपके पास
तो आप पेट्रोलियम जेली लगाओ, आपके पास क्रीम है अगर आई ब्रश की वो लगाओ, तो इस तरह से आप बेबी की जो स्किन है उसको ट्रीट कर सकते हो। अब जानेंगे कि बेबी को दोबारा डायपर रैश ना हो तो उस केस में आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। अगर आप बेबी को डायपर पहना रहे हो, ये अच्छी बात है, कई लोगों के दिमाग में ऐसा मिसकंसेप्शन भी है कि बेबी, स्पेशली जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, उनको डायपर नहीं पहनाना चाहिए। पर दोस्तों, लेट मी टेल यू, मैंने अपने बेबी को डे वन से डायपर में रखा और उसको आज 3 साल का होने वाला है, वो उसको सिर्फ एक ही बार डायपर रैश हुए हैं। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पर डायपर पहना रहे हो, तो आप ऐसी ये जो टिप्स मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, इन टिप्स का आप ध्यान में रखो, आपकी बेबी को कभी भी डायपर रैश जैसी प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको डायपर रैश से बचाव के 4 टिप्स बताने वाली हूँ, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपके जो बेबीज़ हैं उनको डायपर रैश होने की जो प्रॉब्लम है वो ना के बराबर रहेगी। तो जिसमें नंबर 1 है कि आप अपने बेबी का डायपर हर 2 से 2.5 घंटे में चेंज करते रहो। कई बार हमें ऐसा लगता है कि बेबी का डायपर अभी भरा नहीं है, तो हम उसको और स्ट्रेच कर देते हैं टाइम को, हम 2 से 2.5 घंटे की बजाय कभी कभी बच्चे का डायपर 4 या 5 घंटे में चेंज करते हैं। उस केस में क्या होता है कि बेबी जब टॉयलेट कर लेता है तो वो जो डायपर है वो अब्जॉर्ब कर लेता है उसे, पर वहीं अगर बेबी ने ज़्यादा अमाउंट में टॉयलेट की है तो वो उसका जो गीलापन है वो डायपर की ऊपर वाली सरफेस तक आने लगता है, जो कि स्किन के कॉन्टैक्ट में रहती है। और वो गीलापन अगर बेबी की स्किन के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा देर तक रहेगा तो बेबी को डायपर रैश होना ही होना है। तो इसीलिए आप मेक श्योर करो आप बेबी का जो डायपर है वो मैक्स 2.5 घंटे में बदलते ज़रूर रहो। दूसरी टिप जो आपको फॉलो करनी है दोस्तों, वो ये है कि आप बेबी का जब डायपर चेंज कर रहे हो तो आप बेबी का जो प्राइवेट पार्ट का एरिया है उसको अच्छे से गुनगुने पानी से, कॉटन क्लोथ से अच्छे से क्लीन करो, उसको ड्राई हो जाने दो, उसके बाद ही आप बेबी को दूसरा डायपर पहनाओ। अगर बेबी की स्किन अभी सूखी नहीं है, गीलापन है उस पर, और आप उसी में ही दूसरा डायपर पहना देते हो, तो वो गीलापन स्किन और डायपर के कांटेक्ट में आके बेबी की स्किन को डैमेज कर सकता है, बेबी की स्किन में इरिटेशन और जलन पैदा कर सकता है। कई लोग ये भी करते हैं कि जब भी बच्चे की डायपर उन्होंने चेंज किया, दूसरा डायपर पहनाने वाले हैं, तो उससे पहले बेबी की स्किन पर वो रेगुलर बेसिस पर या तो आपकी डायपर रश क्रीम यूज़ करते हैं, या फिर रेगुलर बेसिस पे कोकोनट ऑयल, पेट्रोलियम जेली, इनमें से कोई भी एक चीज़ बेबी की स्किन पर अच्छे से अप्लाई करके तब डायपर पहनाते, वो भी कई हद तक सही है, पर मैंने कभी ऐसा नहीं किया। आप बस बेबी की स्किन को अच्छे से सूख जाने दो, उसके बाद आप बेबी को दूसरा डायपर पहनाओ। तीसरा जो टिप आप फॉलो कर सकते हो दोस्तों कि आपके बेबी को डायपर रश ना हो, उस केस में आप अपने बेबी को हमेशा राइट साइज का डायपर पहनाओ। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अपने बेबी को हमेशा एक साइज़ बड़ा डायपर पहनाया है ताकि बेबी को कंफर्टेबल फील हो। अगर आप बेबी को बहुत ही ज़्यादा टाइट एकदम फिट डायपर पहनाओगे तो बेबी को भी अनइजीनेस होगा, बेबी चिड़चिड़ा हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि बेबी की स्किन जो है वो डायपर से कंटिन्यूसली रगड़ती रहेगी, जिस केस में डायपर रैश होना ही होना है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि बेबी को कंफर्टेबल फिटिंग का आप डायपर पहनाओ। और दोस्तों, लास्ट जो टिप है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम में से काफ़ी पेरेंट्स ये टिप फॉलो नहीं करते हैं ज़्यादातर, जो कि है कि बेबी को आप एक डायपर फ्री टाइम दिन में ज़रूर दो, दिन में 2-3 घंटे बेबी को खुला रखो। अभी क्योंकि स्पेशली नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप ऐसे किसी इलाके में रहते हो जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप बेबी को 2-3 घंटे सुबह और 2-3 घंटे शाम को डायपर फ्री छोड़ दो, बिल्कुल खुला, विदाउट एनी नैपी और कुछ, जिससे क्या होगा, बेबी की स्किन जो है वो हवा के कांटेक्ट में रहेगी और बेबी को इस तरह के रैशेस वगैरह होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। अगर सर्दियों के दिन है तो आप 2-3 घंटे के बजाय आधा घंटा बेबी को खुला रख सकते हो, स्पेशली जब आप मसाज वगैरह देते हो बेबी को। तो इस तरह से आप बेबी को डायपर फ्री टाइम दिन में ज़रूर दो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, आई होप आप सभी को इससे हेल्प मिल गई होगी। अगर आपके बेबी को डायपर रैश हो रहे हैं तो आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए और आपके बेबी को डेफिनेटली रिलीफ मिल जाएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी सारी क्वेरीज़ का आंसर देने की डेफिनेटली कोशिश करूँगी।
और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि अगर हम कोई भी वीडियो नया अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। साथ ही अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है देन डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, ताकि आपको इस चैनल के क्विक अपडेट्स वहाँ से मिल पाएँ। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड और जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर watching our channel.